कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बिक चुके हैं, कोई किसी को न्याय दिलवाने वाला नहीं है। हमें मजबूरन आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज धरने का 11वां दिन है और अगर सरकार चाहे तो एक मिनट में फैसला हो सकता है, सरकार नहीं चाहे तो महीनों लग सकते हैं, लेकिन सरकार को भी हमारी बात पहुंचनी चाहिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है तो इनको न्याय हम नहीं देंगे और ये लोग पीछे हट जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। हम यहाँ पर फैक्ट्री में जाने को मिले या ना मिले, फैक्ट्री के गेट पे अपना जीवन व्यतीत करने को तैयार हैं। हम लाठी डंडे भी खाएंगे, हम गोलियों की बौछार से भी लड़ जाएंगे, पहाड़ों से भी टकरा जाएंगे, क्योंकि हमारा हक है, अधिकार है, जिसको हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर शासन और प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, अपने आप का नुकसान भी करने को तैयार हूँ, लेकिन हमारा हक है, अधिकार है, जो शासन प्रशासन से लेके भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, आज उनके देश में कई राज्यों में सरकारें हैं और हमारी फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपनी सरकार से न्याय मांग सकें? अगर हम न्याय के लिए बैठे हैं तो जो न्यायदाता है, न्याय देने वाले हैं, उनको हमारे साथ न्याय करना होगा। अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर अन्याय हुआ तो हम किसके पास जाएंगे न्याय के लिए? तो आप बैठे ही हैं, न्याय देना होगा। हम लोग आज 11वें दिन ऑर्डिनेंस बस फैक्ट्री शाहजहांपुर में धरने पर बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण धरना हमारा चल रहा है, लेकिन क्या शांतिपूर्ण धरने से भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो किस तरीके से होगी? हम लोग 4 साल से न्याय की भीख मांग रहे हैं, 4 साल से हमारा चयन हो चुका है। सेमी स्किल्ड पद पर अभी 22 फैक्ट्रियों में चयन चल रहा है, हमको छोड़ा जाना ये अन्याय की बात है। सेमी स्किल्ड में वो 22 फैक्ट्री भी आती हैं, वो 22 फैक्ट्री के चयनित भी आते हैं, जिनको आप रोजगार दे रहे हैं, जिनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड पूर्व ट्रेनिंग कराई जा रही है, ट्रेनिंग कराने के बाद आप उनको देश की विभिन्न फैक्ट्रियों में भेज रहे हैं, तो क्या ये अन्याय नहीं हमारे साथ? हमको क्यों छोड़ा जा रहा है? ये क्या बात हुई? किसी के कंधे पे बंदूक चलाकर आगे बढ़ जाना, ये तो एक अन्याय होता है। हम सिर्फ आपसे यही आशा करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी से, कि हमको न्याय दिया जाए। अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। भारत माता के जय, भारत माता के जय। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टेलर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएम मोदी आए आए।